सुंदरवन जंगल में सुंदर सुंदर चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया के यहाँ एक नन्ही चिड़िया का जन्म होता है। उसे देखकर डॉक्टर बुलबुल कहती है, टोनी चिड़िया ये लीजिए आपकी नन्ही चिड़िया, आप ही क्या मजाक करती है, क्या ये मेरी बेटी है? मेरी बेटी इतनी बदसूरत, लगता है आपने मेरी बेटी को किसी और की बेटी से बदल दिया है। नहीं टोनी चिड़िया, यही आपकी बेटी है। खबरदार, जो आगे से मेरी नन्ही चिड़िया कहा, ये मेरी नन्ही चिड़िया नहीं है, मैं इसे नहीं जानती। चिड़िया बहनों, इस चिड़िया को ले जाकर जंगल में छोड़ दीजिए, मुझे इसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन टोनी चिड़िया, ये तो आपकी ही बेटी है, हम लोग इसे जंगल में कैसे छोड़ आए? जंगल में कई जानवर होते हैं, वो इसका शिकार कर लेंगे। अच्छा है तो इसका शिकार कर लेंगे, मुझे तो इससे छुटकारा चाहिए। चिड़िया उस नन्ही चिड़िया को लेकर सुंदरवन जंगल पहुँचती है और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ कर वापस टोनी चिड़िया के पास आ जाती है। शाम को वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही होती है। अरे किस निर्दयी माँ ने इस नन्ही चिड़िया को यहाँ जंगल में छोड़ दिया, मैं अपने जादुई शीशे में देखकर अभी पता लगाती हूँ। जादूगरनी अपने जादुई शीशे में देखकर चौंक जाती है। अरे नन्ही चिड़िया तो टोनी चिड़िया की बेटी है, कैसे निर्दयी है टोनी चिड़िया जिसने अपनी नवजाती चिड़िया को जंगल में छोड़ दिया। सिर्फ इसलिए ये काली है, अब मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और एक दिन उसे बताऊंगी कैसे इसकी माँ ने मरने के लिए उसे जंगल में छोड़ दिया था। जादूगरनी नन्ही चिड़िया को उठाकर अपने घर आ जाती है। वो उस नन्ही चिड़िया का नाम टुनटुनी रखती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया, आज मैं तुझे एक खूबसूरत चिड़िया बना देती हूँ, अब तुम अपनी माँ के पास जाओगी और उससे पूछोगी कि उन्होंने किस बात की सजा तुम्हें दी थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के घर जाती है। फिर वो अपनी माँ टोनी चिड़िया से पूछती है, माँ तुमने बचपन में मुझे किस बात की सजा दी थी, मुझे क्यों जंगल में छोड़ दिया था? तुम कौन हो और मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रही हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। हाँ माँ, तुम मुझे कैसे पहचानोगी, मैं तुम्हारी वही नन्ही चिड़िया हूँ जिसे तुमने काले रंग की वजह से सजा दी थी। बेटा मुझे माफ कर दे, लेकिन जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मैंने जंगल में तेरी बहुत तलाश करवाई, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं मिली। बेटा मैं डर गई थी तुझे देखकर, कहीं सारी चिड़िया मुझे ताने ना दे, मैं मजबूर हो गई थी बेटा। आप तो मेरे गले लग जा, कई सालों बाद तू मुझे मिली है। नहीं माँ, मैं केवल तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारी बेटी आज भी जिंदा है। सालों पहले मैं आपके लिए तरसती थी, लेकिन अब आप मेरे लिए तरसोगी। मैं मजबूर हूँ माँ, मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास जा रही हूँ जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे इतना सुंदर बना दिया और मुझे इतना सुंदर रूप दिया। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।